देश बदल रहा है और सोच बदल रही है। सरकार के मंशा के अनुरूप अब पुरुषों के साथ साथ महिला भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और अपना शत प्रतिशत दे रही है। इसे कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पोहरी थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लर ने दो युवतियों का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। बता दें कि बीते 5 वर्षों से पोहरी में चौराहे पर दो युवती अपने परिवार को सहयोग दिलाने के उद्देश्य से चाट का ठेला लगाती है, जहां इन 5 वर्षों में एक भी ऐसी शिकायत सामने नहीं आई है। उस ठेले पर कोई अभद्रता हुई हो और मुख्य कारण है इसका उन युवतियों का अपने काम पर ध्यान देना, जहां प्रतिदिन दोपहर 12 बजे चाट का ठेला चौराहे पर लगाती है और देर रात 8 बजे तक ठेला लगता है। अमूमन चौराहे पर हर तरह के लोग गुजरते हैं और बढ़ते क्राइम को देखते हुए दो युवतियाँ इतनी बहादुर और सशक्त है कि आज तक ठेले पर कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, जहाँ नवागत थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लर ने बाजार भ्रमण के दौरान देखा तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और प्रियंका सोनी और मुस्कान सोनी का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित किया और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिला पुरुषों के साथ साथ हर कार्य में अव्वल है, बिना डर भय के काम करे, पुलिस हमेशा उनके साथ है। और इसे धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सम्मान किया बालिकाओं का, इसका क्या उद्देश्य है? पौरी नगर परिषद क्षेत्र में बालिकाओं व महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज भाईदूज के पावन पर्व पर पौरी की दो बच्चियों के सम्मान के माध्यम से मैं ये संदेश क्षेत्र के सभी बालिकाओं व महिलाओं को देना चाहती हूँ कि वह पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और कोई परेशानी होने पर बिना डर व भय के थाने पर सूचना दें। यदि वह किसी भी कारणवश साथी हैं तो मैं व थाने का संपूर्ण स्टाफ उनके साथ हमेशा खड़ा है। प्रियंका, तो आप जो थाने पे आई हो किस लिए आई थी? मैडम ने बुलाया। अच्छा, फिर? बहुत बहुत आभारी रहेंगे उनका कि उन्होंने बुलाया और हमें इतना सम्मान दिया। हमें पता नहीं था कि हमें इतने अच्छे से कोई बुलाएगा थाने से और हम जाएंगे।